नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग IVF लैब में टेम्परेचर का क्या रोल होता है और उसका क्या महत्व होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। IVF लैब में या फिर IVF प्रक्रिया में हम लोग जितने भी प्रोसीजर्स करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉडी टेम्परेचर। तो जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे की जाती है। तो टेम्परेचर ये काफ़ी क्रिटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर होता है गैमेट्स और एम्ब्रियोस के लिए। गैमेट्स यानी कि स्त्री बीज और शुक्राणु। तो जब हम लोग स्त्री बीज को फर्टिलाइज करते हैं शुक्राणु के साथ तो वो IVF के द्वारा या ICSI के द्वारा, अगर ICSI कर रहे हैं तो फिर वो माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग करते हैं, तो उसका जो स्टेज वार्मर है वो 37 डिग्रीज पे सेट किया हुआ होता है। और जब हम लोग एम्ब्रियोस कल्चर करते हैं तो वो CO2 इनक्यूबेटर में करते हैं, तो CO2 इनक्यूबेटर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो भी 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया हुआ होता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमें टेम्परेचर को रेगुलरली मॉनिटर करना और ये इन्श्योर करना कि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे। IVF लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो हमें ये रेगुलरली चेक करना होता है कि उनका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है या नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये CO2 इनक्यूबेटर है, तो इसके डिस्प्ले पे आप जैसे देख रहे हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर ये बेसिकली दिखा रहा है। तो हमें ये क्रॉस चेक करना होता है कि अंदर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक थर्मामीटर अंदर रख देते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है या नहीं है। ठीक उसी तरह बाकी के जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कि माइक्रो मैनिपुलेटर है, तो इसका भी स्टेज वार्मर हम चेक करते हैं, इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया हुआ है। तो हम लोग ये बेसिकली चेक करते हैं कि ये स्टेज वार्मर, ये जो स्टेज है ये 37 डिग्री सेल्सियस पे है या नहीं है। ठीक उसी तरह स्टीरियोज़ूम माइक्रोस्कोप का भी टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं और टेस्ट ट्यूब वार्मर का भी टेम्परेचर चेक किया जाता है। शुक्राणु को भी जब हम लोग हैंडल करते हैं यानी कि जब हम लोग स्पर्म प्रिपरेशन करते हैं तो ये पूरा प्रोसीजर हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो सीमेन सैंपल को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और फिर वो टेस्ट ट्यूब हम लोग टेस्ट ट्यूब वार्मर के अंदर रखते हैं, तो प्रोसेसिंग करते वक्त थ्रू आउट ये 37 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो टेम्परेचर को रेगुलरली मॉनिटर करना और ये इंश्योर करना कि वो 37 डिग्री सेल्सियस पे है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये IVF लैब के क्वालिटी कंट्रोल का एक हिस्सा होता है। तो जितने भी IVF लैब में इक्विपमेंट्स होता है वो हम लोग रेगुलरली चेक करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है यानी कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम हो जाता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों ही चीज़ें ये गैमेट्स और एम्ब्रियोस के लिए यानी कि स्त्री बीज शुक्राणु और एम्ब्रियोस के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली उनके डेवलपमेंट पे असर करता है यानी कि जो एम्ब्रियो ग्रोथ है उसके ऊपर असर करता है और उसका सीधा असर ये IVF के आउटकम पे आता है। इसलिए टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है IVF लैब में। इसलिए हमें ये इंश्योर करना होता है कि IVF लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका टेम्परेचर ये 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस और आप तक आते रहें, और आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।